हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों को नवमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग नवमी और दशहरा एक ही दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था ना। और बस मैं अभी आई हूँ शावर लेके, सब लोग रेडी हो गए हैं, सौरभ भी तैयार हो गए हैं। जाती हूँ मम्मी के साथ किचन में, कुछ देखती हूँ कि क्या करा पाऊँगी। एक्चुअली क्या ना, पूजा के खाने को मुझे आज हाथ लगाना नहीं है, वरना हलवा हमेशा मैं ही बनाती हूँ माता रानी के लिए। तो इसीलिए तो बाकी जो ऊपर का काम होगा ना, उसमें मम्मी की मैं थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगी। वैसे तो मम्मी सभी कुछ कर चुकी होंगी किचन का, क्योंकि नवमी का भोग लगाना होता है ना। अगर मुझे हलवा बनाना होता तो मैं थोड़ा और जल्दी तैयार हो जाती, लेकिन बनाना ही नहीं है तो इसीलिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ कि कुछ भी जो हम लोगों के खाने वगैरह वाली पूरियाँ है ना, वो सब मम्मी के साथ जाके मैं उतरवाती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। अपनी जो साड़ी है ना, इसका लुक भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था साड़ी पहनने का। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करती, क्योंकि आप लोगों के साथ में बातें में लग गई ना तो फिर मैं बैठ जाऊंगी यहाँ पे, और जो थोड़ा बहुत काम है ना मैं वो भी नहीं करा पाऊंगी। उतर गए मम्मी पूरी? हाँ। हलवा वगैरह सब बन गया? हलवा दिखाओ। हीरो हो गए हैं तैयार, मैं आपको दिखाती हूँ न्यू न्यू ड्रेसेस पहन के। पोज देने के लिए तैयार हो तुम? चलो इधर बैठ गए हैं, बोल रहे हैं फोटो खींचो। कार येलो एंड ब्लू। एक सेकंड पहले मैं सेल्फी ले लूं। एक फाइनली आज हो गए हैं नवरात्रि फिनिश। 9 दिन से फेस्टिव वाला माहौल था घर में, और सौरभ यहाँ पे कर रहे हैं छिड़काव, जो कि मैं करती हूँ हमेशा, लेकिन मैं तो कर नहीं पाऊंगी। मैंने अपना व्लॉग पोस्ट कर दिया कि देर में एक सब लोगों की पूजा हुई है, और पापा जी भी तोड़ रहे हैं नारियल। अनवित को जिमाएंगे क्योंकि कन्या तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएंगे नहीं इस बार, जैसे कि मैंने आपको अप्रैल वाले व्लॉग में भी बोला था। तो अभी चिड़ियों को ही खाना डालना पड़ेगा, तो अभी बस अनवित को हम लोग खिलाएंगे। अनवित को ही बच्चा है तो उसी को ही कन्या कन्ना जो लोगड़ा क्या बोलते हैं मम्मी, कन्या और लांगूरा, वही उसको मानेंगे और उसी की पूजा करेंगे। हलवा खाएगा? छोले खाएगा? जय 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 माता की, जय शेराई वाली माता की। ये क्या है बाबू के लिए? वो मर तो पाएगा। ये क्या है? ये किसके हो रहा है? क्या काम है ये? नहीं खिला, बोलो जीते रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। बोलो स्वस्थ रहो अम्मा, बोलो स्वस्थ स्वस्थ रहो अम्मा। पैर भी कितने गंदे हो गए मेरे, क्लीन नहीं कर पा रही मैं, कितने गंदे पैर। वो लगता है ना, वो ब्रश लगता है ना पैर में, उंगली पे इधर उधर आज मैंने करने का कोशिश किया, लेकिन क्यों हासिल करो ना पैर, वो एड़ी उठाना पड़ता है ना, एड़ी को तो फिर नीचे जोर पड़ता है, वो आगे पंजों पर रखकर एड़ी उठाऊंगी, पूरे पैर कितने गंदे हो रहे हैं। नहीं हो रहा ना साबुन से, वो जब तक वो ना रगड़ो बहुत गंदे पैर हो गए मेरे, इतने गंदे पैर रहते ही नहीं कभी। अभी हुए हैं बस ये है। ओपन तो बहुत जल्दी चाहिए अनवित, हाँ ब्रेकफास्ट किया नहीं, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। क्या बनाया अनवित ने? कार बनाई है। ये लो तुम्हारे लिए गुजरात में जो कल लेके आया था, लगाया भी नहीं। सर मेरे लिए करना है, मुझे ना गजरा लगाना बहुत पसंद है। मेरे लिए लाती नहीं, लाती नहीं, लातों तो लाती। ये कुर्ता मैंने, ये कुर्ता क्या मेरे लिए कुछ लाती नहीं? ऐसे भी अच्छा लग रहा है, मांग तीखा लेकिन ये ऐसा लुक दे रहा है जैसे किसी की मेहंदी में जा रहे हम लोग। पीछे लगा दो ऐसे पिन,
मैं लगाना भूली गई थी, मुझे ना गजरा लगाना बहुत पसंद है। यहाँ पे जब हम लोग तुलसी बाग जाते थे ना, तो मतलब मम्मी हमेशा मतलब मुझे दिलवा देती थी ऐसे गजरा ना देख के। तो ये वाला गजरा मम्मी बोल रही है कि उतना अच्छा नहीं है, तो करवा चौथ पे कह रही है कि मोटे वाला जो गजरा आता है ना, तो वो मंगाना। मिल गया वही बहुत है अभी। हाँ मिल गया वही बहुत है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है एकदम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना चमेली की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चमेली बाई, चमेली बाई, मेरे ना शौक बहुत बहुत ज्यादा निराले हैं, पता नहीं क्या क्या मुझे शौक हैं। मेरे घर वाले ना, मेरी बहन भी मुझे बोलती कि तुझे भगवान ने पता नहीं कैसे कैसे शौक दिए हैं। देखो गजरा लगाने का शौक है मुझे, तो कुछ नहीं कह सकते, मुझे ना हर शौक है, हर शौक। फाइनली हमारी नवमी की पूजा भी हो गई है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और बहुत सारी आज फोटोग्राफी की है, फैमिली फोटोग्राफी भी की है आज हम लोगों ने। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब मैंने इतनी ज़्यादा फोटोग्राफी की है, यूजुअली तो मतलब ऐसे ही रहता है, लेकिन आज मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि फोटोग्राफी करते हैं। तो बस अभी आके बैठी हूँ और अभी हमारे यहाँ पूजेगा दशहरा। तो दशहरा मतलब पूजते हैं ना, तो उसमें हमारे यहाँ जैसे लौकी का रायता का मेन महत्व होता है, कच्चा खाना बनता है। तो अभी तो हम लोगों ने आज नवमी का हैवी खाना खाया ना, तो राइस वगैरह ये सभी बनेगा, एकदम सिंपल फूड बनता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो लौकी का रायता, तो बस वो बनाना है। तो मम्मी वो कह रही थी कि वो बनाएंगी, और अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद दशहरे की करेंगे पूजा। वैसे तो आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखे होंगे, बट जो लोग न्यू हैं तो उनको मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ दशहरे का पूजन ना मतलब लिख के होता है, तो वो मैं आपको दशहरे के भाई खाता वगैरह दिन बोलते ना कि भाई खाता व्हीकल्स हथियारों सबकी पूजा होती है। अनवित को टूल किट दे दी है, अनवित भी अपने टूल किट की अभी पूजा कराएगा और लेके बैठा है अपना, उसको पसंद आया। तो गिफ्ट ऐसा होना अगर बच्चे को पसंद आ जाए ना, तो फिर मतलब अच्छा रहता है। और ये वाली जो टूल किट है ना, वो मतलब काफ़ी मीनिंगफुल है, अपना बिजी रहेगा, उसने बहुत इंजॉय किया और अच्छा लगा। तुम क्या मेरा दवाइयों का पिटारा लेके बैठ गए, मैं तीन गोली एक साथ नहीं खाऊंगी, मैं तीन एक साथ नहीं खाऊंगी। कैल्शियम मुझे मत दो, क्योंकि कैल्शियम से ना मोटा होता है इंसान। किसने बोल दिया? हाँ किसने बोल दिया? मुझे कमेंट भी आया था कि आप कैल्शियम और पेन किलर मत खाना, क्योंकि उससे वो होता है मोटा होता है इंसान। हाँ फालतू मेरा वेट बढ़ेगा, तुम्हें पता है। तीन तीन गोली देखो, बीमार बीमार सी हो गई। चेंज कर लिया है क्योंकि बार बार साड़ी ना पैर में अटक रही थी, और अभी होगी दशहरे की पूजा। तो पहले बनाया जाएगा दशहरा, और हल्दी और आटे से बनाते ना, या हल्दी से बनाएंगे दशहरा, फिर होगी पूजा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है हमारे यहाँ पे, फिर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसा ट्रेडिशन फॉलो होता है दशहरे का, और क्या क्या होता है। सिंपल तरीके से होता है हमारे यहाँ, लेकिन जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी मोटी होती है ना उंगली, से उतना अच्छा होता नहीं, जो करनी उंगली होती है ना उससे पतला बनता है। हाँ पूजा होगी तुम्हारे टूल्स की। अरे दो दो शब्द टेप टेप के लिख रहे हैं, पूरी लाइन टेप लो। अपनी हाँ कर लो, कार की पूजा करो। यस वेरी गुड, करो अपने कार की पूजा। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे दूसरी कार पे लगा लो। शाबाश। अनवित ने भी अपने व्हीकल्स की पूजा कर ली है, और बड़े बड़े व्हीकल्स थे अनवित के, सबकी पूजा करा दी। अनवित तुम्हारी क्रेन कहाँ है? क्रेन भी लिया तुमने उठा के, तुम्हारी क्रेन व्रेन सबकी पूजा करा दे आज। अनवित तुमने सब टूल्स वूल्स सबकी पूजा कर ली है, अब हमारा तो दशहरा हो गया है बढ़िया, क्योंकि अनवित ने अपने सब जितने भी टूल्स हैं। तुम्हारी गन कहाँ है? गन सॉर्ड कहाँ है तुम्हारी? गन भी तो कर लो अपनी गन की पूजा। ये पैर छू अम्मा के बाबा जी के, चलो जल्दी जल्दी भगवान जल्दी हमें तो बोलना सिखा दे। लिया अपनी गन,
गण की पूजा करेगा, अब अपनी गण की पूजा करेगा, अपने करने दो से। कर लिया अनवित ने अपने हथियारों की पूजा? अभी हम लोगों की पूजा वगैरह सब कुछ हो गई थी और पूजा करके हम लोगों ने थोड़ा कुछ खाया और अभी हम लोग निकले हैं मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए। करवा चौथ आ रही है ना, तो मुझे साड़ी लेनी है और फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो यही सोच के फिर निकले कि देख के आते हैं। अनवित को उसके दादाजी के पास छोड़ दिया, वो वहाँ पर थोड़ा खेलेगा क्योंकि बाहर फिर परेशान करेगा ना, काम भी करने नहीं देगा और ठीक भी नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि फटाफट अपना काम करके आते हैं। वहाँ पे ना कार पूजा कर रहे हैं वो लोग ना, रोहिणी लोग, देखो कार की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, शायद कार की पूजा करते हैं ना सब लोग, तो ऐसे सब लोग अपने कार्स की पूजा कर रहे हैं। तो अभी मेरी करवा चौथ की तैयारी जो है ना वो भी शुरू हो गई है, तो देखती हूँ कि कैसी मिलती है। अभी तो कुछ मैंने मन बनाया नहीं है क्योंकि पहले भी मैं मन बना के यहाँ पे गई थी और मुझे कुछ भी नहीं मिला था, याद है ना मम्मी दिवाली पे गए थे एक बार मन बना के गए थे और कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए मैंने मन बनाया ही नहीं है। सौरभ मुझे बोल रहे थे तुम्हें कैसी लेनी है क्या लेना, मैंने कहा मैंने कुछ भी मन नहीं बनाया वरना मिलेगी नहीं, क्योंकि मेरा साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दिसंबर में लहंगा ढूंढने निकली थी ना, मैंने मन बना रखा था, मुझे नहीं मिला था। मेरी जो चॉइस है ना वो बहुत टफ है, पता नहीं क्यों। फाइनली हम लोग आ गए हैं मेरी साड़ी लेके और बहुत सुंदर मुझे साड़ी मिली है और बहुत अच्छी अच्छी साड़ी थी। अच्छा हुआ मैं कुछ सोच के नहीं गई थी, क्योंकि अगर मैं सोच के जाती ना तो मुझे पक्का साड़ी नहीं मिलती। ये मैं सोच के गई थी कि काइंड ऑफ मैं पैठनी साड़ी लूँगी और वहाँ पे जब देखा डिज़ाइन प्रिंट तो शुरू में तो मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ना मिले, लेकिन फिर बाद में ना मुझे पसंद आ गई। और एक साड़ी तो वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, टी ब्लू कलर की थी और वो मुझे देखते ही पसंद आ गई, तो वो मेरा लेने का मन था, लेकिन उसकी कॉस्ट थी नियर अबाउट 25,000। फिर मुझे लगा कि कोई पार्टी नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो मतलब इतनी कॉस्टली लेके क्या करूँ, लेकिन अगर कोई शादी होती तो मैं उसको 100% उठा लेती। अभी तो ये है कि करवा चौथ है, फेस्टिवल्स है, तो फेस्टिवल्स पे तो आप कितनी भी साड़ी ले लो उतना ही कम है। और वैसे भी मुझे ना इतनी महंगी साड़ी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सिल्क की ना प्योर सिल्क की कॉस्टली साड़ी रखी हुई है, वो सब मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि छोटे छोटे फेस्टिवल्स पे पहन के ना फिर उनकी ड्रैकलिन वगैरह खराब हो जाती है, तो इसीलिए ये सोच के मैंने उतनी महंगी नहीं ली है। और पहले मैं ना चाय बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अरे आज तो तुम्हें अच्छी चाय बना के पिलाऊंगी, तुमने इतनी सुंदर इतनी महंगी साड़ी दिलवाई है तो फिर तो चाय तो तुम्हारी बनती है। कड़क चाय, हाँ देखो मेरी चाय में खुशी झलक रही है। बात रिकॉर्ड भी हो गई है, डिलीट कर दूंगी मैं वाली क्लिप, डिलीट कर दूंगी मैं वाली क्लिप। फाइनली चाय बना के लेके आई हूँ। अभी एक तो कहीं पे भी जाओ ना थकान हो जाती है, और ऐसी स्पेशल शॉपिंग में ना मेरा तो दिमाग एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि सोचने में ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों माइंड ना बहुत ज़्यादा चूजी है मेरा, और काफ़ी टाइम लग गया चूज़ करने में। तो हाँ बस फटाफट आके फिर चाय की इच्छा हुई तो चाय बनाई और सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी बात करती हूँ, फिर व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। साड़ी एक्चुअली फिनिशिंग के लिए दे दिया है, क्योंकि वो फॉल पीको सब कुछ, पीको नहीं होगा, फॉल और फिनिशिंग पॉलिश सब करके देंगे। और आजकल जो पीको है ना, पीको के प्लेस पे उन्होंने कोई डिज़ाइन बोला है पल्लू पे, वो बनाएंगे, मैंने वो सिलेक्ट कर दिया है, वो जब आएगी ना तो मैं आपको बताऊंगी। टेसल्स के डिज़ाइन थे डिफरेंट डिफरेंट जो उन्होंने मुझे दिखाए थे, तो मैंने उसमें से पसंद किया सिंपल सा और उनको दे दिया। तो सिल्क साड़ी मैंने ली है और बहुत प्यारा कलर है उसका, तो आ जाएगी 29th को, तो मैं आपको तब दिखाऊंगी। और कल जाऊंगी ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देने के लिए, पास में ही टेलर है जो कि बहुत अच्छा स्टिच करता है, तो मेरी फिटिंग मतलब वहीं से अच्छी आती है, तो सोच रही हूँ कि कल दे के आ जाऊँगी। आज तो हिम्मत नहीं लग रही है, लेकिन ये है कि साड़ी कलेक्शन अच्छा था और मुझे मतलब पसंद भी आया। लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है बस, कि जैसे बहुत ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं दिसंबर में लहंगा लेने के लिए गई थी ना, यहाँ पे ना वो वैसे जो ओपन करके दिखाते हैं ना, जैसे दिल्ली में आप शॉपिंग करोगे तो वो इतनी ज़्यादा दिखा देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे बस वो एक दिखा के अब बताओ, एक दिखा के अब बताओ, ये था मतलब जैसे तीन दिखाई तीन में अब बताओ,
तो वो मतलब मन भर के जो देखना होता है ना वो नहीं होता, लेकिन बाय लक कहीं और जाने का तो मतलब इच्छा भी नहीं थी, और मतलब कहीं और जाने का मन नहीं था कि सोचा था कि मैंने पहले सोच रखा था कि वाली शॉप बहुत बड़ी है हमारे एरिया में, तो यहाँ से ही लूँगी और अच्छी साड़ी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने लहंगे के टाइम पे देखा था इनके पास साड़ी का कलेक्शन अच्छा था, तो मिल गई फाइनली मेरी साड़ी। और अब देखती हूँ कि इसको तैयार हो जाएगी तो मतलब करवा चौथ पे पहनूंगी, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। तो चलिए, ऐसा था आज का हमारा दिन, छोटा सा सिंपल सा हमारा दशहरा सेलिब्रेशन, और अच्छा था, थकान भी हो गई आज। तो बस आज का जो सिंपल सा व्लॉग है ना वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी। आप लोग बताइएगा आपका जो दशहरा का सेलिब्रेशन है वो कैसा रहा। थैंक यू सो मच मेरी केयर करने के लिए। आजकल मैं जितने भी व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ ना, सब लोग मुझे अपना मान के ना बहुत अच्छे अच्छे मुझे सजेशंस देते हैं, और बहुत हक से मुझे बोलते हैं कि नेहा तुम रेस्ट करो या फिर नेहा तुम ये कर लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे साथ ऐसे बात करता है और ऐसे आप लोग मुझे बोलते ना, तो बहुत मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें तो लोग मुझे मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन ऐसे करके बात करते हैं ना, तो एकदम मतलब बहुत ही प्यार अंदर से उमड़ के आता है। ऐसा लगता है कि मतलब कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग हैं। तो एक तो है वो हमेशा मुझे ऐसे लिखते हैं, मेरी प्यारी नेहा, मेरी प्यारी बहन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के और बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। तो थैंक यू सो मच मेरी केयर करने के लिए, और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं दुखी नहीं हूँ। आप लोग तो मेरा चेहरा देख ही सकते हैं कि मैं खुश हूँ। चोट का क्या है, लगते रहती है और ठीक भी हो जाएगी जल्दी, ये तो मतलब लाइफ का पार्ट है चोट वगैरह लगना। दर्द कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, फ्रैक्चर है तो दर्द तो रह गई, लेकिन ठीक है मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं वो बीमारी वाले फेस में रहना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है कि मैं हैप्पी हैप्पी रहती हूँ। तो चलिए, आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी, वरना बातें तो मेरी ख़त्म नहीं होंगी, चलती रहेंगी। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपनी चाय और सीरीज़ देखूँगी मिर्ज़ापुर, क्योंकि कल हम लोगों ने देखी थी, हाफ पार्ट देखा था, हाफ भी देखना है और बेसब्री से इंतजार था। हालांकि फर्स्ट पार्ट ज़्यादा अच्छा था, फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न मतलब उतना कुछ खास नहीं लगा, तो मतलब ठीक ही लगा है, लेकिन यह है कि ख़त्म तो करनी है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। अभी तो मुझे वो आश्रम का अगेन बेसब्री से इंतज़ार है, और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीरीज सजेस्ट की थी, हम लोगों ने उसमें से देखी क्लास 80 की थी, काफ़ी लोगों ने बोला कि अच्छी है, वो मैंने देखी थी तो मुझे मतलब ठीक ठाक लगी। तो चलिए, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि रख रही हूँ, तो पता नहीं कब रखूँगी बात करने, तो बात तो मेरे से बहुत करा लो, मैं रात तक भी बातें कर सकती हूँ आपके साथ बैठ के। अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होंगे ना, फिर तो शायद 4 दिन ही बीत जाएं बात करने में। वो तो ये है कि वर्चुअल कैमरा है, बस मैं बोलती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक तो मुझे कॉमेंट आया परसों कि आप थोड़ा स्लो बात करें, मैंने कहा क्या करूँ यार, मैं बसंती हूँ, मेरा जो बोलने का फ्लो है ना वो ऐसा ही है। मेरे पापा भी ऐसे बोलते थे, बेटे धीरे धीरे बोला कर, लेकिन क्या करूँ, बसंती हूँ ना मैं, चुपी नहीं होती हूँ, बस कचर 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 ऐसे मेरा जो जवान है ना वो चलते रहता है। हर किसी का अपना एक टाइप होता है, और ये देखिए अमृत का भी चालू हो गया है, जिद कर रहा है किसी बात पर। चलिए मैं रखती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों के अपना ढेर सारा ख्याल, और जल्दी ही मिलते हैं आपको एक न्यू व्लॉग के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।